समझेगा अगला उदाहरण। अगला उदाहरण भी अच्छा है, उदाहरण नंबर 3, समझ में आना। कह रहा है एक त्रिभुजाकार भूखंड, फिर से आया त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात इस बार दिया गया है, 3:5 कितना बेटा 7 है, और उसका परिमाप कितना है 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे पहले भुजाओं का अनुपात दिया गया, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माना, ठीक है, हल लिखते हैं, हल में माना, ठीक है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का क्या मान लेते हैं, अनुपात बराबर x मीटर, कितना मीटर माप लेते हैं बेटा, x मीटर, ठीक है। तो बात समझिएगा, अनुपात कितना दिया गया, तो पहली भुजा का यानी अनुपात कितना है 3, कितना बेटा 3:5:7 दिया गया है। तो यहाँ पर मतलब क्या, a अनुपात है, b अनुपात है, क्या c, अब हमने अनुपात मान लिया है कितना x मान लिया है, ठीक है, बात समझिएगा। आप लिख लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, यानी a b c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहली आ जाएगी बेटा 3x, अर्थात a का मान कितना आ गया बेटा 3x, ठीक है। इसी प्रकार b तो कितना आ जाएगा 5x, तो b का मान कितना आ जाएगा बेटा 5x, इसी प्रकार 7x तो बराबर कितना आ जाएगा बेटा c, तो इतने चीज समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। a मिल गई, b मिल गई, और क्या मिल गया बेटा c। अब क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, परिमाप कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो तीनों भुजाओं का योग, पहली भुजा कितनी 3x प्लस 5x प्लस 7x, समझ में आया ना, और परिमाप कितना दिया गया, तो 300, ठीक है, बराबर 3x, और इनको ऐड कर लेते हैं, 5, 3, 8, 7, 15, तो कितना आ जाएगा बेटा 15x, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 बटे कितना 15, 15 करना 15, 15 दुना कितना 30, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 20, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 20, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 20। अब पहली भुजा कितनी है, पहली भुजा कितनी है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, a बराबर हमें दिया गया 3x, ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, और x का मान कितना 20, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20 × 60, समझ में आया ना, तो ये a का मान हो गया, किसका मान हो गया बेटा a का, समझ में आया ना। फिर b, तो b, अब b का मान कितना, तो b बराबर कितना है बेटा 5x, b बराबर कितना बेटा 5x, तो b और 5 गुणे x का मान कितना है, x का मान कितना बेटा 20, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 × 10, तो 20 × 5 कितना आ जाएगा बेटा 100, 20 × 5 कितना 100। फिर इसके बाद क्या करेंगे c, अब c बराबर कितना है बेटा, तो c बराबर है 7x, तो कितना आ जाएगा c बराबर 7 × 20, तो 7 × 2 कितना आ जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा बेटा 140, कितना आ जाएगा बेटा 140, तो भुजाएं हमें पता चल गई। अब अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा, अब हमें पता है परिमाप, परिमाप कितना है बेटा, तो परिमाप बराबर कितना है, परिमाप बराबर 300 है, परिमाप बराबर कितना बेटा 300, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अर्ध परिमाप यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 150, तो कितना आ गया बेटा 150। मान रख देते हैं, त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल ही हमें निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे भाई, रखते हैं, क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट एस, एस का मान कितना है बेटा, तो एस का मान कितना 150 गुणे कितना आ जाएगा बेटा 150 ए, ए का मान कितना माइनस का 60, 150 और माइनस का कितना बेटा 60, माइनस का कितना भाई 60, अगला एस, तो 150 माइनस कितना बेटा 100, ठीक है, फिर क्या 150 माइनस का कितना, तो 140, समझ में आया ना, ठीक। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 और 150 में 60 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है 90, कितना आ जाएगा बेटा 90, ठीक है। आगे देखिएगा,
इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10, कितना आ जाएगा बेटा 10। अब इनको हल कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं बेटा, हल कर लेते हैं। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 150 ठीक है, तो 150 को क्या लिख सकते हैं बताइए भाई, 150 को क्या लिख सकते हैं सरल विधि में, ठीक है, या मल्टीप्लाई करा दो या वर्क कर लो, दो तीन तरीके होते हैं, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ में आएगा ठीक है। तो देखिएगा 150, अब 150 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो 5 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 30, 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 30, 90 को क्या लिख सकते हैं 30 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 30 गुणे 3, 30 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 3 लिख सकते हैं 50, 50 को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 10, क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 10, क्या लिख सकते हैं बेटा 10। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जोड़ा 30 का बन जाएगा, तो यहां से कांडी से ये बाहर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 गुणे एक जोड़ा किसका बन गया 30 का, और एक पांच ये एक पांच ये 5 का जोड़ा बन जाएगा, तो 5 गुणे 10 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, किसका जोड़ा नहीं बना बेटा 3 का, तो कांडी 3 कर देंगे बराबर, पंदाम कितना आ जाएगा बेटा 50, तो 30 गुणे कितना आ जाएगा बेटा 50, कांडी कितना आ जाएगा बेटा 3, पानते कितना आ जाएगा बेटा 15, तो 1500 अंडर रूट 3, 1500 अंडर रूट 3 क्या देख बेटा मीटर स्क्वायर, क्या देख बेटा मीटर स्क्वायर, आपका क्या बेटा आंसर।